कुछ देर में आ जाओ यार, 10 मिनट के बाद प्लीज शूट करने दे। वीडियो में ये कमी है तो प्लीज मुझे कमियां बताओ आप लोग की, क्या कमी रह रही है वीडियो में। शेयर नहीं कर सकती बट मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं, बट ये मेरा काम है, जैसे तैसे मैं करती हूँ। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल भाग्य लाइफस्टाइल। सो यस, मज़ेदार वीडियो आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। टाइटल से आप लोग समझ गए होंगे कि कॉर्ड सेट मैं लेके आई हूँ मीशो के, वो भी सो यस, बहुत अच्छे अच्छे मैंने सेलेक्ट किए हैं, लाइक 5 कॉर्ड सेट मैंने सेलेक्ट किए हैं एंड उनके रिव्यू मैं करने वाली हूँ कि कपड़ा कैसा है जो भी है मटेरियल का एंड क्वालिटी वाइज। सो यस, अगर आप लोगों को कॉर्ड सेट खरीदने हैं तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। सो यस, फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यस, सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, बहुत सुंदर सा ब्लैक कलर का कॉर्ड सेट था ये। मुझे देखते ही लगा था वाओ कितना सुंदर लग रहा है, हालांकि आई एम थोड़ा सा हेल्दी पर्सन, बट फिर भी मैंने मंगाया थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड सेट से। ये मुझे कुल 400 रुपये का पड़ा था, इसकी रेटिंग इतनी अच्छी नहीं थी। स्टाइलिश न्यू रिप फैंसी डिजाइनर टॉप एंड बॉटम सेट था ये। इसमें काफ़ी कलर आप लोगों को मिल जाएंगे, लाइक आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने इसमें ब्लैक कलर मंगाया था ताकि यू नो थोड़ा सा हेल्दी ना लगूँ मैं, बट जैसा ही आया है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। सो ये मैंने इनको ओपन करके इनको अभी मैंने पहन के देखा था जस्ट, कि ट्राई कर लेती हूँ कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। सो कुछ ब्लैक कलर का आप लोग देख सकते हो, क्रॉप टॉप ये आया है। जो लोग स्लिम है ना, मतलब जिनका बेली फैट नहीं है, जिनका ब्रेस्ट फैट नहीं है, वो लोग इसको ले सकते हैं। उन लोगों के ऊपर आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा एज़ कम्पेयरटिव टू लाइक हम जो हेल्दी हैं थोड़े से उनके ऊपर। बाकी कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रही मैं, आप लोगों की मर्जी है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो यस, क्रॉप टॉप बहुत अच्छा है एंड ये आप लोग देख सकते हो कि पैंट आई है इसके साथ एंड साइड से आप लोगों को कट मिल जाएगा एंड उस पर आप लोगों को वाइट स्ट्रिप पे जो है काम दिया गया है, लाइक कपड़ा ही है जो ऐड किया हुआ है एंड मटेरियल क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। प्राइस के अकॉर्डिंग इसने, मतलब मीशो ने जो भेजा है वो काफ़ी अच्छा है, ये बात मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है कि ये 400 रुपीज़ का है, बट ये काफ़ी अच्छा है। इसमें काफ़ी कलर ऑप्शन है, आप लोग दूसरे के साथ जाना चाहो तो दूसरे के साथ जा सकते हो, बट मैं पर्सनली ब्लैक के साथ गई ताकि मैं थोड़ी सी स्लिम लगूं। सो ये लेते हैं हमारे सेकंड प्रोडक्ट की, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, कोर्ड सेट है ये लेवेंडर कलर में, मतलब पर्पल थोड़ा डार्क हो जाता है, लेवेंडर कलर सॉरी। एंड ये मात्र 538 रुपीज़ का था एंड इसमें काफ़ी कलर थे, लाइक इसमें अभी दे रखा है कि पैरेट कलर है, पिंक कलर एंड येलो कलर, मैंने इसमें लेवेंडर कलर मंगवाया है। एंड इसका कपड़ा गया, इसका कपड़ा क्वालिटी ना इसकी काफ़ी अच्छी है, लाइक गर्मी में आप इसको इतना इजीली कैरी कर सकते हो ना बिल्कुल। एंड इसका ना मैं ये सजेस्ट करूँगी वॉश के बाद पहनना इसको, क्योंकि वॉश के बाद ना ये काफ़ी और सॉफ्ट हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है। सो मैंने इसमें डबल एक्सल साइज मंगवाया है एंड मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को कि कुछ ऐसा ही आया है। एंड ये जो प्रिंट है ये कैसे बताऊँ मैं कि ये मतलब वर्क नहीं है, ये स्टिकर टाइप में है, इसके साथ अटैच किया गया है एंड आप लोग देख सकते हो। एंड स्लीव्स आप लोगों को इतनी मिल जाएंगी एल्बो तक एंड या सो ये फ्लावर जो प्रिंट है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे लगा ये थोड़ा वर्क वाला होगा बट ये वर्क वाला नहीं है बिल्कुल, लाइक पैच वगैरह जो लगा देते हैं ना वैसा है। एंड आप लोगों को आगे बटन मिल जाएंगे, पूरा ओपनेबल है ये। सो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी तरह से आप लोग इसको स्टाइल कर सकते हो। एंड अब बात कर लेते हैं इसके बॉटम की। सो या आप लोग देख सकते हो कितना कम्फर्टेबल इसका स्ट्रेच दिया हुआ है, यहाँ पर पॉकेट मिल जाएगी आप लोगों को दोनों साइड, कपड़ा क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड या पूरा ब्रॉड आप लोग को मिल जाएगा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल सेम है। सो या पहनने के बाद इसका जो है लुक मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छा आएगा, बाकी आप लोग साइड में देख सकते हो क्योंकि इसको मैंने अभी ट्राई नहीं किया है, तो मैं साइड में जो है इसकी लुक बुक दिखाती रहूँगी आप लोगों को, आप लोग जज करना, लाइक कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि आप लोगों को ये वाला अच्छा लगा या नहीं लगा, पर्सनली मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। सो फाइनली बात कर लेते हैं हमारे थर्ड प्रोडक्ट की, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सा ब्लैक कलर में है ये कॉर्ड सेट एंड ये ना आजकल बहुत लाइक ट्रेंडिंग में है। मैंने इसको ये अभिषेक को पहने हुए देखा था, बिग बॉस ओटीटी वाले को एंड फुकरा इंसान को,
एंड मैंने अभी अभिनव को भी देखा था ऐसी कुछ शर्ट पहने। सो ये इस वाले वर्क की ना कुछ ट्रेंडिंग में ही है आजकल, तो इसलिए मैंने इसको मंगाया। सो यस, अभी इसको ओपन करके दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा ये आया है। 601 रुपीज़ का है, इसमें कोई कलर नहीं मिलेगा आप लोगों को, बस ब्लैक कलर है इसमें। एंड या सो आप लोग ये देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सी लग रही है, ब्लैक कलर की, हल्के हल्के स्ट्रिप का जो आप लोगों को वर्क मिल जाएगा दोनों साइड, ऊपर पॉकेट का डिज़ाइन मिल जाएगा, पॉकेट नहीं है एक्चुअली में, बट पॉकेट का डिज़ाइन मिल जाएगा। एंड पफी स्लीव्स मिल जाएंगे इसकी, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये वाले डिज़ाइन आप लोगों को मिल जाएगा। सो इतना लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट है ये, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हो। सो पहनने के बाद देखते हैं इसका कैसा लुक आता है। मैं अभी साइड में, आप लोग स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे वैसे कि कैसा लुक इसका आया है पहनने के बाद। एंड ऐसा ही इसका बॉटम है, आप लोग देख सकते हो, बॉटम पे भी ये काम दिया हुआ है, बस आगे आगे दिया हुआ है, पीछे काम नहीं है, ये पीछे से बिल्कुल प्लेन है। एंड आप लोगों को दोनों साइड पॉकेट मिल जाएंगे। बट अभी मैं इसका बता दूँ कि इसका क्वालिटी तो अच्छी है, बट आप लोग इसको विंटर में पहन सकते हो, ये समर वियर नहीं है। पिक में लग रहा था कि जीन्स का कपड़ा है ये, जीन्स का, बट ये जीन्स वाला कपड़ा नहीं है ये, इसमें ना गर्मी लगती है। तो आई थिंक इसको आप लोग विंटर में मंगवाओगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि गर्मी में ये किसी काम का नहीं है। सो या उसके बाद बात कर सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट की, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, जेब्रा प्रिंट का मैंने मंगवाया था कोड सेट, एंड इसका प्राइस था 332 रुपीज़। इसकी रेटिंग थी 3.2 स्टार्स, बट फिर भी मैंने इसको मंगाया कि चलो यार एक बार देख लेते हैं कैसा आया कैसा नहीं आया। बट जैसा कि रेटिंग दी गई है उसी हिसाब से इन लोगों ने बॉटम में तो सत्यानाश कर रखा है बिल्कुल। सो आप लोग देख सकते हो, मैंने इसमें डबल एक्सल साइज़ मंगवाया है, क्योंकि मेरा साइज़ ये है, तो मुझे ये कैसे आएगा। आप लोग देखो इतना बेकार इसका इलास्टिक है ना, बहुत ज़्यादा ये अनकंफर्टेबल फील कराने वाला है आपको। सो मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती लोअर में, आप लोगों को इतना स्ट्रेच दिया गया है। एंड अभी मैं दिखाती हूँ, मैंने ब्लैक वाले, अभी इसमें पर्पल वाले में दिखाया ना आप लोगों को, किसका जो है ना स्ट्रेच बहुत अच्छा है, आप इसको कम्फर्टेबली पहन सकते हो सी, बट उसको आपको ऐसे खींचना पड़ रहा है जब जाके वो स्ट्रेच हो रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहता है सी। बाकी इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा है, एंड आप लोग बाकी साइड में लुक बुक देख सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था बिकॉज ऑफ साइज इशू, बिकॉज ऑफ इसका इलास्टिक इशू। एंड अब बात कर लेते हैं इसकी शर्ट की, क्योंकि इसको मैंने ट्राई किया हुआ है, तो इसको सीधा कर लेते हैं। एंड शर्ट पहनने के बाद काफ़ी सुंदर लग रही थी। इस शर्ट को ना आप कैरी कर सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से, ब्लैक कलर के साथ, डेनिम के साथ कैरी कर सकते हो, ब्लैक डेनिम के साथ, जैगिंग के साथ कैरी कर सकते हो, या फिर एंकल लेंथ लेगिंग के साथ कैरी कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी ये लग रही थी। खाली शर्ट भी अगर आप लोग इतने प्राइस में मंगाते हो, आई थिंक तो शर्ट का ही लगा लो आप, शर्ट शर्ट का तो लोअर को छोड़ो, शर्ट में भी इतना इन्वेस्ट करोगे तो कोई बुराई नहीं है, अगर आप लोगों को ये प्रिंट अच्छा लग रहा है तो। सो प्रिंट काफ़ी अच्छा है इसका, एंड गर्मी नहीं लगने वाली है इस कपड़े में बिल्कुल भी, बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है। यस, आप लोग देख सकते हो। सो यस, ये था हमारा फोर्थ प्रोडक्ट। अब बात प्रोडक्ट की, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ऑरेंज कलर का कुछ सुंदर सा कोड सेट था ये, बट ये मुझे अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो इसका जो है रिव्यू मैं देने वाली हूँ आप लोगों को, इन शॉर्ट में दे दूँगी मैं, या फिर जब तक ये वीडियो एडिट करती हूँ मैं, जब तक मुझे मिल जाता है तो मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दे दूँगी। सो इसका जो है प्राइस है 363 रुपीज़, एंड या बहुत ही सुंदर सा ऑरेंज कलर का ये है, एंड इसमें काफ़ी कलर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। सो यस, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि देखने में, पिक में देखने में इसका कपड़ा क्वालिटी बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक समर वियर लग रहा है टोटली। सो यस गाइस, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो मुझे ज़रूर बताना। एंड काफ़ी टाइम के बाद मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो चली नहीं रही है यार, मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल होने को आया है, बट कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है जो वायरल हुई हो, थोड़ा थोड़ा चल रही है लाइक 200-300 व्यूज़, बट उनसे क्या होता है यार, कुछ भी नहीं होता। सो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए गाइस, वीडियो में कुछ कमी लग रही है तो मुझे बताइए कि क्या कमी लग रही है, थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, बट मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं, बट ये मेरा काम है, जैसे तैसे मैं करती हूँ, जितना मुझे मुझसे हो पाता है, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं बेस्ट दूँ अपना,
बाकी अगर आप लोगों को कोई कमी लगती है मेरी वीडियोस में तो मुझे बताना, क्योंकि अपनी तरफ से तो मैं 100% देखती हूँ। सामने वाले को कमी दिखती है कि हाँ भाई ये कमी है वीडियो में, ये कमी है, तो प्लीज़ मुझे कमियाँ बताओ आप लोग की, क्या कमी रह रही है वीडियो में, क्या टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, कुछ कंटेंट आप लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई ये कंटेंट मुझे चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।